नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर आपके सामने पेश हुए हैं एक नई भर्ती को लेकर। नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको पिछली वीडियो की तरह ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। नए जुड़े दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बात करते हैं नई भर्ती आंगनवाड़ी की। दोस्तों, आंगनवाड़ी में जो पोस्टें आने वाली है उसके बारे में, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 की जो भर्ती आई हुई है दोस्तों, उसके बारे में आज अपनी चर्चा कर रहे हैं। बाल विकास सेवा एवं पुस्तार विभाग गवर्नमेंट यूपी की तरफ से ये भर्ती आई हुई है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये आपको बताया दोस्तों, कौन सी, बाल विकास सेवा एवं पुस्तकार विभाग गवर्नमेंट यूपी की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 50,000 से भी ज़्यादा इसकी भर्ती आने वाली है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेल एंड फीमेल दोनों फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल फार्म दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों फार्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, पोस्ट नेम की बात करेंगे तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जो पोस्ट है दोस्तों वो आई हुई है। आंगनवाड़ी वर्कर की, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, आंगनवाड़ी हेल्पर की, प्रोजेक्ट ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की, पांच पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। दोस्तों, फार्म कब से अप्लाई होंगे बात करेंगे उसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। टोटल भर्ती की बात करें दोस्तों, तो टोटल भर्ती आपको बताई थी, अब 50,000 से भी ज़्यादा इसकी भर्तियां आने वाली हैं। 50,000 से ही भर्तियाँ आने वाली हैं ज़्यादा प्लस में। एज की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के मध्य जो व्यक्ति हैं फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 वर्ष भर्ती बहुत बढ़िया दोस्तों, और एज का क्राइटेरिया भी बहुत रखा गया है 18 से 45 वर्ष। उसके अलावा एसटी एससी को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट नियमानुसार दी जाएगी। दोस्तों, एजुकेशन की जहां बात करें तो पर पोस्ट के हिसाब से, यानी पोस्ट के हिसाब से उन्होंने आपका एजुकेशन मांगा है। दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास 10वीं पास प्लस 2 पास और ग्रेजुएट पास है जो व्यक्ति फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट प्लस टू और ग्रेजुएट वाले फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 वर्ष तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे बड़ी बात सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, नो एग्जाम ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं इस भर्ती में वो आपके पूरे होने चाहिए, पूरे होंगे दोस्तों, उसके हिसाब से मेरिट बन जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी दोस्तों आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में चर्चा की अपने, और आगे भी ऐसी भर्तियों के बारे में अपनी चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी दोस्तों तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।